अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खलील सुंबल और आप हैं मेरे साथ द कीवीज चैनल के साथ। दोस्तों आज मई की है 23 तारीख और टाइम है सुबह के 7 बजे और इस वक्त हम हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान का एक गांव है राड़ा शम, जो रकनी से 40 किलोमीटर लॉरेलाई रोड पर वाकई है और इसका डिस्ट्रिक्ट है बाजार मुसाखिल। तो थोड़ा सा आपको इस गांव का ओवरव्यू कराते हैं। ये देखिए इस गांव की गलियां हैं दोस्तों, कच्ची सी पक्की सी, और साथ में ये आप देख सकते हैं ड्रेन, और बिल्कुल ही ये पसमानदा इलाका है बलूचिस्तान का। गली में आज़ादाना घूमते फिरते गधे, और ये देखिए गलियां और कच्ची दीवारें, ऐसा लगता है ज़माना कदीम के किसी हम गांव में हैं। और यहाँ पर सो काल जो तरक्की है या डेवलपमेंट है उसका यहाँ पर कोई सिरे से वजूद ही नहीं है। तो चलिए आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कराते हैं उस डेरे का जहाँ पर हम रात गुजार चुके हैं और हमारे दोस्त। जी तो दोस्तों ये डेरा जहाँ पर हमने रात गुजारी, और ये देखिए, अच्छा दोस्तों जहाँ पर हमने रात गुजारी ये यहाँ के आप कह सकते हैं कि स्टेक होल्डर हैं और सरदार हैं यहाँ पर, ये उनका डेरा है सादिक शाह साहब हैं जो यहाँ के तुमंदार हैं और डेरेदार हैं। और थोड़ा सा आपको दोस्तों अंदर का कराते हैं ओवरव्यू। ये देखिए दोस्तों, अच्छा यहाँ पर पानी, पीने के पानी की बहुत ही कमी होती है, और ये बड़े बड़े घड़े रखे हुए हैं और जहाँ से दूर से पानी लाकर इन घड़ों में रखा जाता है पीने के लिए। ये देखिए शुद्ध पानी, पांच बड़े बड़े घड़े रखे हुए हैं यहाँ पर, और ये देखिए छत पुराने दौर की। ये देखिए दोस्तों अब दीवारों की मोटाई देखिए, यहाँ पर मौसम की हिद्दत और शिद्दत का असर बिल्कुल नहीं होता। कच्ची दीवारें हैं और इनकी देखिए मोटाई, एक बालिश्त, दो, तीन, तीन बालिश्त मोटी दीवारें। और ये मेहमानों को सर्व करने के लिए यहाँ पर खाना टेबल्स रखी गई हैं लकड़ी की बनाकर। और ये हैं हमारे दोस्त जनाब मलिक आदिल साहब, हमारे साथ हैं, हमारे हम सफ़र हैं और बहुत ही अच्छी शख्सियत है इनकी। और ये देखिए, अच्छा ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और इसकी छतें कमज़ोर हो चुकी हैं, तो ये जो शैतीन हैं उनको सहारा दिया गया है, ये ऑलमोस्ट अब कमज़ोर हो चुके हैं। अच्छा ये है दोस्तों इस डेरे का बैक यार्ड और गैराज, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं। वेरी गुड, सुजुकी आल्टो बलूचिस्तान नंबर आस 234 कोयटा। ये है लोडर जनाब, इस पर हैवी बाइक पर ये
सेट किया गया है। और ये देखिए बाइक, देखिए आप बेरंज, ये कोई ईरान की लग रही है बाइक, इतनी हैवी बाइक। और इस पर लिखी भी फारसी हुई है, और ये है जदीद दौर की पानी की टंकी बनाई गई है। ये गंदम स्टोर करने के लिए स्टोरेज मेटल के बनाए गए हैं। और ये इस देर का है बैकयार्ड, और साथ में कुछ लगता है घर भी है यहाँ पर। तो चलिए वापस चलते हैं हम डेरे की तरफ। और आपको दिखाते हैं डेरे का अंदरूनी मंजर। यह दोस्तों इस डेरे का अंदरूनी मंजर आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल की जगह है। और इसकी आप छत देखें, दीवार की छत, बहुत ही पुराना तर्ज तामीर, 1 करोड़ लग चुकी है। अच्छा, और इसके दोस्तों का मानना है कि 1 करोड़ इसकी कीमत मौजूदा जो रायजुल वक्त सिक्का है उसकी लग चुकी है कीमत। तो अभी भी ये बेचने के लिए तैयार नहीं है। ये वो कमरा है जहाँ पर हमने रात गुजारी। और यहाँ पर मौसम तकरीबन ठंडा ही रहता है गर्मियों में, सर्दियों में तो वैसे शदीद सर्दी होती है, बर्फ़बारी होती है। अच्छा दोस्तों, ये ओवरव्यू मैं आपको करा दूँ वाशरूम का, जो इस डेरे के अंदर है, जदीद तर्ज का बनाया गया। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। आबादी ना होने की वजह से यहाँ पर कोरोना का कोई वजूद नहीं है। और यहाँ पर जो सिस्टम है मोस्टली वो पंचायती सिस्टम है, यानी यहाँ पर सरदार किस्म के लोग होते हैं, जहाँ पर लोगों के आम मसाइल की शुनीद की जाती है। और अमूमी तौर पर जो छोटे मोटे मसाइल हैं वो इन्हीं डेरों पर हल किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये छोटा सा व्लॉग। होप सो कि हमारी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, कमेंट कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि हमारी ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।